बोलिए। प्रोसेस चल रहा होता है ना कि ये फिल्म बना रहे हैं हम, तब कुछ नहीं फर्क होता कि कोई अपने फ़ोन पे देखेगा या कोई कहाँ देखेगा। मुझे तो उतनी ईमानदारी से काम कर। सांस चले कहाँ है निरंतर, ना ये गंगा की तीर, धूली बन दूधू हो जलना है, धूली सा शरीर, कहाँ छुप बैठेगा ओ नश्वर, बटन जो उसका दबा हो जाएगा तू तस्वीर। क्या यार सच में मुझे कुत्ते ने काट लिया, काट रहा था कुत्ता, इन द प्रोसेस ऑफ काटोइंग था वो। उसका been casting director also at some point. I have been a DOP and I have received best cinematography award from Critics Choice Awards. ये तो कहानी है, कंक्लूजन ये है कि वो शॉर्ट फिल्में नहीं। Welcome back to my channel, that is HM Digital Reviews. I hope you all are doing well. और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म की स्टार कास्ट। फिल्म का नाम है 12 by 12। आप लोगों ने अगर अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर देख लो भाई जल्दी से, क्योंकि कास्ट जो बातचीत करेगी ट्रेलर देखने के बाद आपको और मजा आएगा सुनने के बाद। सो वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस। थैंक यू भाई, बड़ी मेहनत करी है, आपकी शक्ल बता रही है, थके लग रहे सारे। देखो आप हमारा पोस्टर देखो, हमने किस माहौल में शूट किया है। पोस्टर देखा, ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर देख के लग रहा है भाई कि किस माहौल में शूट हुआ है। तो गौरव जी जी कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी। दिस लुक्स सो इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। जिसने भी ये लाइंस लिखी हैं हाथ चूमने लायक हैं। इनक्रेडिबल कास्ट, वुड लव टू वॉच ऑन बिग स्क्रीन। जबरदस्त एक्टर हैं ये भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। So these are some few comments from your trailer. कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब जब आपकी सराहना होती है आपके काम की तो आप मतलब जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आपने इतनी मेहनत की जैसे आपने बोला और एक जर्नी रही है, उसके बाद जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो ये काफ़ी हौसला मिलता है बहुत। इतना ही नहीं, आपकी फिल्म के बारे में मैं पढ़ रहा था IMDB पे, तो मैं मतलब हैरान हो गया कि इस फिल्म को इतने अवार्ड्स मिले हैं ऑलरेडी। एज अ बेस्ट डायरेक्टर आपको अवार्ड मिला है फॉर पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, एंड फिप्रेस की समथिंग इन 2020। सो क्या वो कैसी रही जर्नी, ट्रैवल आपकी फिल्म ने किया है पहले आपने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जर्नी तो देखिए जब आप इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं तो आपकी जर्नी की शुरुआत फिल्म फेस्टिवल से ही होती है, क्योंकि वही आपके पास जरिया होता है फिल्म को इनिशियली लोगों तक पहुंचाने का। तो हमारी जर्नी हमारी फिल्म की जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही, क्योंकि लोगों ने इतना सराहा इस फिल्म को फेस्टिवल में। और मुझे याद है कि हर फेस्टिवल के बाद स्क्रीनिंग के बाद आपका Q&A सेशन होता है। Q&A सेशन बिल्कुल, जब आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो। जी। तो हमारे Q&A सेशन इलेक्ट्रिक होते थे। ओह, मतलब लोगों के पास इतना होता था बात करने के लिए, इतने सवाल होते थे। और इनफैक्ट कई लोगों ने तो बोला कि यार कई बार ऐसा बोला कि आपके Q&A सेशन आपकी फिल्म से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो हाँ मतलब वो जर्नी की शुरुआत फेस्टिवल से हुई, और मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ पैंडमिक वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। बहुत सारे फेस्टिवल्स उस टाइम पे वर्चुअली हो रहे थे या हाइब्रिड हो रहे थे। लेकिन फिर भी हमें मौका मिला कुछ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स में जाने का, विजिट करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का। और जब आप कोई भी आर्ट क्रिएट करते हो तो आपका एकमात्र ध्येय तो यही होता है कि लोग देखें। सही बात है। गीतिका जी आप पर आऊँगा, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी थी सोनी नाम की, तो बहुत ज़बरदस्त आपने उसमें काम किया था। फर्स्ट बहुत बढ़िया। इस फिल्म में आपका क्या किरदार होने वाला है? आपको ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर पे, ये है सूरज। ही इज़ द लास्ट रिमेनिंग डेथ फोटोग्राफर। तो वो लड़का जो आपको आपकी फिल्म का हीरो दिखाई देगा, उसकी बहन हूँ मैं, वो मेरा भाई है। भाई बना है, ट्रेलर में मैंने सुना है वो, मानसी को बुला लो। हाँ, मानसी को बुला लो, इस बार होली साथ मनाएंगे। मानसी बनारस में नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, नहीं रहना उसको भाई। और सपने देखती है, उसका सपना है वो दिल्ली मेट्रो पायलट बने। शी विल ड्राइव द मेट्रो, पूरी की पूरी मेट्रो खुद चलाएगी। तो और सूरज इतना मासूम है, छोटा है, पूछता है कि अच्छा पूरी की पूरी खुद चला लेगी, तो वो गई हुई है और वो चलाएगी, और एक ये भाई है जो पूछ रहा है पूरी चला लेगी। तो ऐसा अलग अलग, मतलब कॉन्फिडेंस वाला किरदार है आपका। पागलपन की हद तक, मैं पागलपन की हद तक तो नहीं, उससे थोड़ा पहले तक जुनूनी। सोनी में जो आपने कर दिया वो तो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है बाय द वे। हाँ, तो वैसे किस्म का ही कुछ देखने को मिला? ना 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 ना, वैसा नहीं। मतलब मुझे मेरी तो उम्मीद ये है और दुआ भी ये है कि प्यार मुझे उतना ही मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं है। तो आपसे सवाल था कि जैसे नेटफ्लिक्स पे आई थी वो मूवी सोनी, सो अब ये एक थिएटर मूवी है, आपने काम किया है ओटीटी पे भी और आप मूवी भी थिएटर पे कर रहे हैं, तो उसके वे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा, मतलब आपको क्या फ़र्क लगता है? अच्छा, वो एक एक्टर को कुछ फ़र्क नहीं लगता भाई, उनको एक कैमरा दिख रहा होता है सामने और एक डायरेक्टर से वो बात करते हैं और अपने को एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। अब वो ओटीटी पे आएगी, वो थिएटर में आएगी, कहाँ आएगी? हाँ, एक बहुत समय से एक 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 नॉर्मल बात है, वो मेरी नहीं है लेकिन होती है कि आप बड़ा पर्दा देखते हैं और सपना होता है आपका कि बड़े पर्दे पे आपकी फिल्म हो, पर जब प्रोसेस चल रहा होता है ना कि ये फिल्म बना रहे हैं हम, तब कुछ नहीं फ़र्क होता कि कोई अपने फ़ोन पे देखेगा या कोई कहाँ देखेगा। मुझे तो उतनी ईमानदारी से काम करना है ना, मेरे को एक्टर्स को भी वैसे ही काम करना है। सब लोग हो सकते, कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ अलग होता हो, किसी के दिमाग में कुछ अलग होता हो, मेरे में तो नहीं होता। थिएटर में ना क्या होता है, मेरे टीचर थे एक टाइम पे, उन्होंने वो बोलते थे कि उस टाइम पे तब मैं मास्टर्स कर रहा था पुणे में। अच्छा। तो बंटी और बबली आई थी। अच्छा। और गाना थी कजरा रे कजरा रे जी। सो मेरे जो टीचर थे वो बोलते थे ये ऐश्वर्या रे का कमर जितना क्लोज में दिख रहा है ना, जिंदगी में तुम्हें कभी दिखेगा नहीं। इसमें लेंस लगी हुई है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली उतना बड़े स्क्रीन में 100 times योर साइज। जस्ट इमेजिन एक कमर का शॉट जब उतना बड़े स्क्रीन में जाता है, ठीक है। आई विल गो इनटू इमेजिनेशन देन। So that is the difference. No, no, don't go into the suspension. The lecture is not complete yet. That is the difference between watching a film in theaters versus watching a film on a smaller screen, on a personal medium. It can be a television, it can be a laptop, it can be a mobile phone, it can be anything. I call all of this a personal medium. Not only I, this is what it is. Theater is a public medium. It is a social. Yeah. It's a social exercise, yeah, where so many community people who don't. It's a community building exercise, yeah, who don't know each other, share a common space and share a work of. ब्रिलियंट। ऐसा तो किसी ने नहीं समझाया आज तक, बहुत, मतलब आपने विस्तार से समझाया, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर सनी लाहिरी, क्लासेस के लिए संपर्क करें। नीचे लिख देंगे हम अपने वीडियो में। चलिए अब भूमिका जी से बात करें थोड़ी सी। भूमिका जी, वेलकम टू माय चैनल। मोतीचूर चकनाचूर जो वेलकम मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनमें इनकी एक्टिंग। मोतीचूर मजेदार फिल्म, ऐसा लगता है। हाँ, रेलवे मैन में भी मैंने देखा, दिलरुबा आएगी उनमें देखिए। पर मुझे मोतीचूर से याद है ना मैम। तो चलिए मोतीचूर को छोड़िए, 12 बाय 12 में क्या कर रही हैं आप, क्या किरदार? तो मेरा नाम मीना है। 12 बाय 12 के अंदर एक छोटा एक सूरज जो है उनकी वाइफ का बात कर, मैं वाइफ बनी हूँ। और चूंकि छोटा शहर है बनारस, मीना खुद एक इंदौर से बिलोंग करती है और उसकी शादी बनारस में हो गई है। और किस तरीके से एक छोटे शहर के कपल्स होते हैं, किस तरीके से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। बाहर से हमको बहुत मोनोटोनस लगता है कि अरे वही ज़िंदगी है, वही उसको खाना बनाना है, वही बच्चे की कंघी करनी है, कांच के सामने सब कुछ करना है। हमको लगता है कि वही एक गृहिणी आम जो होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो है। पर मीना के अंदर जिस तरीके से गौरव ने लिखा है वो बहुत मज़ेदार है। अच्छा। जितना इंडिपेंडेंट उसने मानसी को दिखाया है, जितना उसने उतना ही इंडिपेंडेंस इसको भी है। ये छोटे छोटे टेलरिंग के काम करती है, फॉल पीकू लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और एक तरीके से देखा जाए जब वो देख रही है कि कहीं ना कहीं, सॉरी थोड़ा स्पॉइलर दे रही हूँ फिल्म से, कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है सूरज अपने प्रोफेशन के अंदर, वो एक पिलर की तरह खड़ी रहती है उसके लिए। तो हाँ, चूँकि यार ये ऐसी बहुत ही फिल्मों हमने देखा हुआ है कि एक माँ की एक सर्टेन इमेज है, तो कहीं ना कहीं मीना उसको तोड़ती है। अच्छा, आप वाइफ बनी है, आप सिस्टर बनी है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी इज एन ब्रिलियंट एक्टर, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं वो। तो आप दोनों बताइए कि कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव, कैसा रहा? मेरा तो, मैंने पहली बार स्क्रीन पर किसी की एक बहन का किरदार किया था और वो भाई मेरे भाई लाइफ में जो हैं वो बड़े हैं, छोटा मेरा कोई भाई है नहीं। और ज्ञानी ना बहुत ही मुलायम सा इंसान है। मुलायम, वाओ, सॉफ्टी, सिल्क 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 तो फिर भी खुरदुरी हो जाती है। अच्छा। ज्ञानी फूल जैसा है। अब कभी मूड हो तो गेंदे का फूल बन जाता है, कभी मूड हो तो गुलाब का फूल बन जाता है, वो भी फिर मूड अलग अलग होते हैं। वह बहुत मुलायम इंसान है और वो उसको कहीं ना कहीं आप जो किरदार निभा रहे होते हो 25 दिन 20 दिन जितने भी दिन आप जिस नज़र से दूसरे को देखते हो ना, कहीं एक असर होता है। ऑफ कोर्स आप वो जीने नहीं लगते, कल को मुझे मर्डरर बनना है तो मैं थोड़े ना लोगों को मारूंगी, ऐसे तो नहीं करते हैं। लेकिन बहुत पेशेंस है ज्ञानी में, पर उनके पास उन पे बहुत वो बहुत प्यारेपन से देखती थी मैं उनको, बड़े प्यारे लगते थे। बाकी आप बताएं कैसे लगते थे? जी बताइए वाइफ जी। तो ज्ञानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, वो ढल जाता है। अब मुझे नहीं पता सूरज है जो ढल जाता है, मतलब हर किसी ओ भाई साहब देखिए मीना जो है, ये आप देख रहे हैं के साथ काम कर रहा है ना, मीना सूरज के एब्सेंस में कविताएं लिख रही है। सो दैट्स द रीजन इज वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब आपको कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ब्लॉक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, एंड वेरी नेचुरल आई थिंक। सो जो पहली बार हमने ऑडिशन किया था, हमने साथ में वो ऑडिशन किया था, जो सीन हमने ऑडिशन सीन था दोनों का सिलेक्ट हो गया एक बार में, सीरियसली क्लिक हो गया था। मैंने कहा यार मजा आ गया इसके एक्टर साथ काम करने में। गौरव जी कैसे तराशे आपने इन हीरो को, मतलब कहाँ से आप इनके कास्टिंग कैसे करा आपने इनका? कास्टिंग बताइए सर। मैंने बहुत प्रताड़ना की है सर इन पे, बहुत प्रताड़ित किया मैंने इनको। छेना हथौड़ी से मैंने देखिए चौलाइन देखिए। नहीं बताइए ना कैसे कास्टिंग तो मुझे मुझे इतना तो पता है कि आपको शूट पे बहुत परेशान किया गया, पूरी कास्ट ने बहुत परेशान बहुत। मैं तो मेरा बंकर होता था शूट पे तो जब बॉम्ब ब्लास्टिंग होता तो मैं मेरे बंकर में जाके हमारे डायरेक्टर बदल देते। क्यों सनी जी सही बोल रहे हैं, सारे सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता था क्या? मतलब वहां पे भागने के लिए कुछ होता नहीं था, एक ही होटल भाग के क्या करोगे, गंगा में डूबोगे। होटल के अंदर आसपास के रूम में सब लोग रहते थे, जो सबसे सुंदर बात नहीं था। गंगा जी ना चाहे भी तो मतलब वो अगर कोई भागना चाहे तो वो एक्चुअली गंगा में जाना पड़ता था। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप भागेंगे रूप के अंदर कोई चांस नहीं था। आज के डेट में भी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। हाँ वो वैसा ही है, वो वैसा ही है और उसका मजा वो स्पिरिट में ही है। ठीक है, मेकअप बैन नहीं होती है। आपने एक शॉर्ट फिल्म भी आई गेस बनाई थी 2020 में, राइट? उसके बारे में, सो सॉरी टू कट यू। तो जब अगर आप आज के टाइम से कंपेयर करें व्हेन यू आर रिलीजिंग दिस मूवी इन थिएटर, सो डू यू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन ट्रीटिंग सच फिल्म्स? सर मैं जब आप फिल्म मेकर, फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कई लाइफ टाइम चाहिए आपको, उसका एक अंश भी सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है। मतलब हम बहुत ही लाइट हार्टेडली मास्टर ऐसी सब उपाधियाँ दे देते हैं लोगों को, मास्टर फिल्म मेकर, बट एक मास्टर बनना फिल्म मेकिंग नहीं किसी भी चीज़ में, उसके लिए बहुत सारे लाइफ टाइम चाहिए, लाइफ टाइम। तो इट इज़ अ कांस्टेंट एवोल्यूशन। हर शॉर्ट फिल्म, हर एड फिल्म, मैंने तो अभी पॉडकास्ट भी किया, मैंने अभी ऑडियो बुक्स भी किया, तो इट एवरीथिंग इज़ अ चैलेंज एंड हर चीज़ में लर्निंग है, छोटी बड़ी। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट इट्स अ कांस्टेंट एवोल्यूशन। और आप सिर्फ एक ही, जैसे एज एन एक्टर मैं अपने आप को इसलिए पहले आर्टिस्ट मानती हूँ, फिर बाद में दूसरे स्ट्रीम। I've been a co-producer also for 2 short films. I have been casting director also at some point. I have been a DOP and I have received Best Cinematography Award from Critics' Choice Awards. So by the end of the day, ये सारी चीज़ें आपके एक primary goal जो है, primary goal of course actor बनना है, पर ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ जो primary goal है उसमें ज़्यादा confidence आया है. I'm more encouraged. Now I'm encouraged to write something of my own. तो इन्होंने बहुत शानदार प्ले किया है अभी केला नाम से। केला, हाँ मैंने इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखा हुआ। अच्छा सोलो सब कुछ खुद किया है सब। अच्छा डायरेक्शन, राइटिंग एंड एक प्लीज वो केला का प्लीज वो करके बताओ वो करना प्लीज। कैरेक्टर है जो बाबा है, जैसे आप बोलते हैं हलाक निरंजन बोलते हैं, तो मैंने बाबा बनाया जो बोलते हैं एक बार बोलिए। बारह बाय बारह में भी इनका एक बहुत ही जबरदस्त फिलोसॉफिकल डायलॉग है जो ट्रेलर में भी। हाँ प्लीज मैम, मैं बोलने वाला था कि 12 बाय 12 का कोई डायलॉग सुना दो यार, एक हो जाए, एक डायलॉग हो जाए। सांस चले कहाँ है निरंतर, ना ये गंगा की तीर, धूली बन धूधू हो जलना है, धूली सा शरीर, कहाँ छुप बैठेगा ओ नश्वर, बटन जो उसका दबा हो जाएगा तू तस्वीर। क्या यार डीप, ये आपने लिखा, ये फिलोसफी बहुत जबरदस्त है एक्चुअल में, बट इन्होंने अलाइव किया है उसको अपनी आवाज में। नहीं अच्छा है, मीनिंग बड़ा अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया। आपके दिल को छू गई ना ये बात, सच में अच्छा लगा मुझे वाकई में, बहुत जबरदस्त। अच्छा 12 बाय 12 की शूटिंग के दौरान सर आप बताएं, आप भी बताएं कि क्या कुछ आपने फेस किया, बिकॉज यू हैव शॉट द मूवी इन रियल लोकेशन। सो ये मेरा लास्ट सवाल है, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा पूरा शूटिंग करने का फिल्म का। हम दिन में 3-4 लोकेशन शूट करते थे जी, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन थे हमारे, दिन कम थे तो शिफ्ट होता था बहुत सारा, ठीक है। तो और जब हमारा शूट हो रहा होता है तब दूसरे लोकेशन पे काम चल रहा होता था। तो एक दिन हम जब घाट पे शूट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें ATM में शूट करने जाना था, ठीक है। और उसके एक दिन बाद मेरा एक इंटीरियर लोकेशन जो मीना और सूरज का घर है, जहाँ पे इनका भी घर है, वो जो मेन लोकेशन था, जो घर वाला लोकेशन, वो घर वाले लोकेशन में शूट होना था। तो वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का, प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम चल रहा था, रंग हो रहा था, सेटअप हो रहा था, सब हो रहा था। तो मेरा लाइन प्रोड्यूसर मेरे को, जब मैं हमें इतना लोकेशन रहता था तो डिलेज होते थे, छोटा क्रू था, बहुत चैलेंजेस थे। तो एनीवेज हम लोग बहुत टाइट चल रहे थे, हर रोज़ हम लोग 16-18 घंटे शूट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। सो अचानक से परसों मेरा वो लोकेशन में शूट होना है, सब कुछ लॉक है, ठीक है। तो मैं DOP भी था और मैं प्रोड्यूसर भी था, और गौरव डायरेक्ट कर रहा था एक्टर्स के साथ। तो मैंने उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से थोड़ा दूर रखा था क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है एक्टर्स के साथ काम करना, तो और वो क्लाउड माइंड में नहीं होता है जी, ठीक है। उसके लिए एकदम फोकस चाहिए, ठीक है। फिर सब कुछ लॉक दे। सो लिटरली क्या हुआ, मुझे मेरा लाइन प्रोड्यूसर आके बोलता है, एक लोकेशन खत्म हुआ, हम ATM की तरफ जाने वाले, बोलता है सर आपको मेरे साथ आना होगा, जो बंदा का घर पे हम शूट करने वाले उसने जितने पैसे में हमने डन करके आया था और काम चल रहा था, उसने उसका 10 गुना पैसा मांग लिया, क्योंकि उसको कहीं से पता चला फिल्म जो बनाने आते हैं वहाँ पे, वो शूटिंग का घर नहीं था, तो फिल्म जो बनाने आते हैं उसको वहाँ पे उन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो मालदार होते हैं, और ये जो आपको पैसा मिल रहा है बहुत कम पैसा मिल रहा है आप, तो उसने वहाँ पे काम रुकवा दिया अपने घर पे। सीरियसली? हाँ सीरियसली, मतलब वो हो रहा था जब चिल्लम थी, तो उसने रुका दिया काम। सो हम लोग जाने वाले थे ATM में शूट करने के लिए, जिसका भी हमारे पास परमिशन नहीं था, हम करने वाले थे ATM में लोकली, वो सिक्योरिटी के साथ बात करके। मेरा लाइन प्रोड्यूसर वो देख रहा था, तो मैंने क्या किया, इन लोगों को बोला जाओ, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला वहाँ पे जाके, एक ट्यूब था, मैंने बोला लाइट अलग से लगा नहीं सकते, उस पर कुछ फिल्टर विल्टर लगा देना, कैमरा वैमरा सेट कर सब, क्योंकि वो भी मेरा असिस्टेंट भी DOP है, ठीक है, मेरा जूनियर है फिल्म स्कूल से। तो मैं भरोसा करता था उसके ऊपर, तो मैंने बोला तू वो सब देख। और मैं मेरे लाइन प्रोड्यूसर के साथ बाइक में गया उस घर पे, वो बंदे के साथ में 1.5 घंटा बैठा, ठीक है, क्योंकि काम बंद हो गया ना, परसों शूट करना है। और ये लोग क्रू 6-7 लोग ATM के सामने वेट कर रहे कि DOP कब आएगा, शूट करेगा, क्योंकि DOP प्रोड्यूसर का काम भी कर रहा था उधर। तो मैं वहाँ पे 1.5 घंटा बैठा, और हाँ मैंने पैसा थोड़ा ज़्यादा दिए, बट जो 10 गुना मांग रहा था वो मैंने उसको दुगना भी नहीं दिया, बट जो मैं देने वाला था 1.5 गुना दे दिया मैंने उसको पैसा, बट उसके लिए मेरे 1.5 घंटे चले गए। और सिर्फ वही नहीं, पूरा क्रू एकदम से लाइक पूरा खड़ा हो गया। एंड सो ये दिस इज वन ऑफ दो स्टोरीज यू नो, जहाँ पे चीज़ें मतलब सब ठीक चल रही है। सो हमारी फिल्म में क्या होता था, सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब लगता था कि अभी तो सब ठीक हो रहा है, सब एक के बाद ठीक हो रहा है, तभी एक कुछ भूचाल आता था, और लगता था बस सब। कितने दिन में कंप्लीट करा है फिल्म को आपने? 22 दिनों में कंप्लीट करा। भाई ये जो आपने पूछा ना, मेरा एक ही इंसिडेंट है सार, मेरा जो एक्सपीरियंस का तो हम लोग एक वेजिटेबल मार्केट में हम शूट कर रहे थे, तो हमारा जो कैरेक्टर है मेन वो कुछ फल सब्जी खरीद रहा है। सो ज्ञानी के साथ मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, शॉट सड़क के सामने, सड़क पार कैमरा लगा के सनी खड़ा हुआ है और ये हुआ, और मैं भाग के मॉनिटर के वहाँ पे आया और मुझे ना कुछ पिंच हुआ पैर में, ऐसा जैसा कुत्ते के काटने जैसा कुछ। अच्छा, तो मैंने देखा सच में मुझे कुत्ते ने काट लिया। काट रहा था कुत्ता, इन द प्रोसेस ऑफ काटोइंग था वो। उसका तो पहले क्या हो रहा है, और मैं पहले तो मैं उससे डरने से मैं सहम गया कि अब शूट हो रहा है, कुत्ते ने काट लिया, अब क्या होगा। मुझे तो आज तक पता था कुत्ते ने काट लिया। और फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, यू आल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, इसका मैं आपको कंक्लूजन देता हूं। बेसिकली ये तो कहानी है, कंक्लूजन ये है कि वो शॉर्ट फिल्म में नहीं। अरे वो सर, और एक और चीज है, एक और चीज है, मैंने 3 शॉट नहीं लिए रेबीज के, 2 ही शॉट लिए भैया। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कितनी डिफिकल्टीज के साथ बनती है भाई एक इंडिपेंडेंट फिल्म। तो आप लोग भी इस इंडिपेंडेंट फिल्म को जाके अपना प्यार दीजिए भाई। 24 तारीख को रिलीज हो रही है, ट्रेलर देखिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वक्त की कमी है और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपको अगर इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना और मूवी ज़रूर देखना जाकर, ठीक है, नज़दीकी सिनेमाघरों में। बुक माई शो पे टिकट्स की ओपनिंग जल्दी होने वाली है, बुक करिए, जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। 12 बाय 12 बोल दीजिए आप भी। 12 बाय 12 24 मई 2024। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।